माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को माघी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह शहर में माघी गणेश चतुर्थी उत्सव के चलते टेकड़ी गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए तांता लगा हुआ था। गणेश जयंती को माघ शुक्ल चतुर्थी, तिलकुंड चतुर्थी और व्रत चतुर्थी कहा जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। माघ महीने की गणेश जयंती का व्रत करने से भगवान गणेश भक्तों के संकटों को दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। गणपति बाप्पा के अनुयायी वैसे तो रोज ही उनका ध्यान करते हैं, परंतु कुछ दिन अधिक विशेषता प्राप्त होती है, जिस कारण इन दिनों में की गई पूजा दो गुना लाभ प्राप्त करवाती है। इनमें एक दिन है माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस दिन को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार 28 जनवरी को यानी मंगलवार को मनाई गई। हिंदू धर्म में हर माह में आने वाली चतुर्थी तिथि की तरह इसका भी अधिक महत्व है, परंतु इसका महत्व ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हिंदू धर्म के सबसे पावन कहे जाने वाले माह यानी माघ माह में आती है, जिस कारण इसे माघी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 29 तारीख को भारत बंद है, उसके समर्थन में हम लोग जो है ये रैली निकाल रहे हैं और ये रैली आज पूरे भारत में निकली हुई है, भारत के 21 राज्यों में निकली हुई है। उसी क्रम में बहुजन क्रांति मोर्चा के समर्थन में ये हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि 29 तारीख को भारत बंद है, उसके समर्थन में क्योंकि देश के अंदर भाजपा सरकार ने जो CNRC NPR लागू किया है उसको रद्द करना चाहिए और DNA के आधार पर NRC लागू करना चाहिए, उसकी समर्थन में EVM समाप्त करना चाहिए। आपका परिचय विजय प्रताप भारती, भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़।